गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है 11 मार्च और आज है शिवरात्रि व्रत। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, आपने मेरे पहले ब्लॉग में देख लिया होगा, मैं आई हूँ नानी के घर। और कल यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा बारिश आई है और बारिश आने से यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आ चुकी है। सो मेरा आज फास्ट है और अभी जस्ट मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ। चाय वगैरह पी मैंने, क्योंकि खाना तो खा नहीं सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में शायद से हम यहाँ पे जाएंगे, मंदिर है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे ज़्यादा मंदिर नहीं है, बट एक मंदिर है गांव में। मंदिर है बट दूर है, दूर जाना पड़ता है, गाड़ी वाड़ी लेनी पड़ती है, फिर दूर जाना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे गांव में मंदिर, तो मे बी हम वहाँ पे जाएंगे। कंफर्म नहीं है जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो मे बी जाएंगे क्योंकि मैं तो मंदिर जाती ही जाती हूँ। तो थोड़ा मैं आप लोगों को अपने नानी के घर के आसपास का व्यू दिखाना चाहूँगी। आई होप कि आपको पसंद आएगा। सो ये देखिए गाइज, ये है मेरे नानी के घर के आसपास का व्यू। बहुत सुंदर लोकेशन है यहाँ की, बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू है। लोकेशन इतनी अच्छी है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ना ठंड ज़्यादा है। और गाइज वो सामने पे देख रहे हो आप, वो देखो वाइट वाइट, वो है हिमालय पर्वत, इसीलिए ठंड से ज़्यादा बहुत हवा आती है ना। बाकी ये देखो, ये है पूरा, देखो देखो ये धूप भी यहाँ पे देखो कितनी सुंदर। धूप भी यहाँ पे काफी अच्छी आई हुई है। और ये है मेरी मम्मी का मायका, मेरा मायका तो आपने देख ही लिया है। ये है मेरी माँ का मायका, मेरी मम्मी का मायका। तो इस साइड भी घर है और इधर को भी घर हैं काफी सारे। और सारे घर ना आपको गाइस देख रहे होंगे आप, ये जो होती ना ये पठाली वाले बोलते हैं, पुराने जमाने वाले, वो ही घर है यहाँ पे। काफ़ी कम लोगों ने यहाँ पे सीमेंट वाले घर बना रखे हैं। बाकी आपको सारे घर ऐसे ही दिखेंगे, ये देखो ऐसे ही घर दिखेंगे यहाँ पे। और नीचे बैठे हैं हुए हैं हमारे बच्चे, पार्टी वगैरह। ये है मेरे मामा जी का घर। और तो चलो, मैंने ब्लॉग तो अपने स्टार्ट कर लिया है। मैं आप लोग के साथ धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी इस ब्लॉग में आज का अपना रूटीन। और यहाँ पे मेरा फेस थोड़ा सा डल हो गया गाइस, क्योंकि थोड़ा होता है ना, मेरे को सभी बोले तो बहुत काली सी भी हो गई है, अजीब सी भी लग रही है। वो इस वजह से गाइस, क्योंकि थोड़ा सा मतलब वेदर की वजह से चेंज हो जाता है ना हमारा, मतलब अगर हम किसी अलग वेदर से आते हैं यहाँ पे आते हैं, तो वेदर से थोड़ा हमारा मतलब मौसम की वजह से चेंज हो जाता है, पूरा स्किन भी, पानी वानी सारा मतलब हो जाता है ना चेंज, इस वजह से। तो चलो अब मैं थोड़ी देर में अपने ड्रेस अप चेंज करती हूँ, हम चलते हैं मंदिर में, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी धीरे धीरे। इस वीडियो में आपको दिखाती रहूँगी आज का रूटीन मेरा कैसा। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ओके बाय। सो गाइज, 3 बज चुकी हैं और अभी हम लोग मंदिर नहीं गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मंदिर यहाँ पे थोड़ा सा दूर है, तो मंदिर हम जा नहीं पाए। अभी हम लोग जा रहे हैं महादेव जी का विचित्र बनाने। तो हम लोग जा रहे हैं महादेव का विचित्र चित्र बनाने, मतलब यहाँ पे महादेव का चित्र होता है ना, जो मतलब जैसा मूर्ति होता है उस तरीके का, प्रतिमा बोल सकते हैं आप लोग, वो बनाया जाएगा, वो भी मिट्टी से बनाया जाएगा। तो वो बना रहा है मेरा भाई, मतलब मेरे मामा का लड़का। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से वो बना रहा है। तो यहाँ पे तो अभी मैं आई हूँ ये अपने नानी के पुराने वाले घर पे। यही मेरी मम्मी का बचपन बीता हुआ है। ये है मेरे मौसी जी का लड़का, कर दे। और ये कुछ काम नहीं कर रहा है, बस इससे फालतूगिरी करवा लो, हाय करो। ये हमारा बेटा है और ये देख सकते हैं आप लोग, ये मतलब पूरा जो घर है, ये है मेरा पुराना नानी घर। यहाँ मेरी मम्मी पापा, सॉरी पापा, यहाँ मेरी मम्मी का बचपन गुजरा हुआ है। और ये पास में कुछ इस तरीके का पूरे पुराने घर आपको दिखेंगे गाइस। ये देखो यहाँ पे, ये जो होता है ना पत्थर वगैरह, जो गांव में पठाली बोलते हैं, ये लगे हुए हैं। तो ये है नया घर, ऊपर है, मैंने आपको दिखा लिया। वो हमारी मामी जी आ रही है, आप कुछ कहेंगे मामी जी? यहाँ पे
क्या बोलते हैं प्रतिमा क्यों बनाई जाती है मिट्टी की, बोलो सही कुछ। किसको प्रतिमा के लिए बनाई जाने वाली भोलेनाथ है? शिव जी की पूजा होती है पहाड़ों में, गढ़वाल में ऐसी तो होती है। हाँ। उसकी पूजा होती है, शिव जी बनाया जाता है, फिर उसकी पूजा। जैसे ये रिवाज सब जगह नहीं है, यहीं पे है, कई जगह नहीं होती ऐसी रिवाज। यहाँ का है ना सिरगुड़ पट्टी का रिवाज है ये। अच्छा। तब बनाई जाती है ये। अच्छा। तब पूजा होती है उसकी शाम को, फिर कल सुबह उसको पानी के वहाँ पर सुलाया जाता है। अच्छा। बस यही है। ठीक है फिर उसको ऐसे डालते हैं। ये हमारी बड़ी मामी है, छोटी मामी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि वो अभी है नहीं हमारे साथ। अभी मैं ऐसे आपसे क्या, आप कुछ बोलोगे? हाँ। बोलो फिर। बाला बाला, बस बाला बाला। और मंदिर हम गई नहीं, मैंने बताया आपको मंदिर यहाँ पे थोड़ा दूर है, तो हम गई नहीं, मुझे हेडेक हो रही थी इस वजह से मैं गई नहीं मंदिर। तो यहाँ पे ये प्रतिमा बना रहे हैं भोलेनाथ जी की, यहाँ की रिवाज है ये, हमारे साइड तो नहीं होता, मेरे मायके में तो ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पे होती है रिवाज, तो यहाँ पे ये बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि शूट कर लेना चाहिए, आप लोगों को भी दिखा लेना चाहिए कि पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज लोग थे किस तरीके की रीति रिवाजें होती थी, तो आप लोग के साथ शेयर कर लेना चाहिए। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मामा जी का लड़का। ये है गोली, ये गोली देता रहता है हमें, हमारी मौसी का लड़का। हाँ, मौसी का लड़का है ये। ये है शिवम और ये निकाल रहा है मिट्टी है। ये आपको बताएगा किस तरीके से भोलेनाथ ताई जी, ताई जी। मामी ने बता दिया, आप तो बताएगा ना? ना नहीं बताएगा ना, तो किस किस तरीके से बना रहा है, क्या है, ताई जी बता दी, लोगों को पता होना चाहिए ना। ताई जी ले बताऊ ले ताई जी, नहीं तो पता भी होना चाहिए ना। किनार को जाना अभी तो साफ के नीचे पटियाला। यहाँ के सारी मकान है आपको ये पुराने वाली दिख रही होंगी, पठाली वाली मकान है। यहाँ का जो लोकेशन है काफी अच्छा है, यहाँ का व्यू काफी अच्छा है, मेरे हस्बैंड को यहाँ का व्यू लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद है, उन्हीं की बेस पे मैंने ये वीडियो बनाना, मतलब यहाँ का वीडियो मैंने शूट की, वैसे मैं नहीं करती बट उन्होंने कहा था कि करना ही करना है, कहूँ वहाँ की वीडियो शूट करके लाना, इस वजह से मैं यहाँ का रूटीन शेयर कर रही हूँ। मामी बैठ गई है हमारी, मामी मेरा व्लॉग अभी नहीं देखती है, आप देखेंगी जब मामी को अपनी फोटो दिखेगी है मामी। मेरा वीडियो तब देखा तुम? अच्छा। मेरा चैनल पर यूट्यूब पे। अच्छा, प्रियंका लोग देख लो ये। हाँ, वो देखते हैं प्रियंका जी। वो बन कंचन देखो मैं। तो ये क्या कर रहे हैं दोनों? मिट्टी को बारीक कर रहे हैं। ये मिट्टी कूट रहे, पतली बना रहे, बारीक बनानी मिट्टी को। हाँ। फिर इसका जिससे इस पर चिकनापन आ जाए। अच्छा। और मैं आप लोगों को ये बताना ही भूल गई कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो यहाँ पे आने का मेरा रीजन ये है, यहाँ पे आ रहे हैं कौन सी माता से, ज्वालपा टिहरी की पौड़ी, टिहरी की ज्वालपा माता यहाँ पे आ रही है। आपको पता है उत्तराखंड में मतलब काफी होता है ना देवी देवताओं का, ये चीज प्रचलन काफी है, तो इस वजह से यहाँ पे भी आ रहे हैं मामा के घर पे, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध माता है उत्तराखंड में ये, तो उनका भी मैं छोटा सा व्लॉग, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें शेयर ज़्यादा नहीं करनी चाहिए ऐसे सोशल साइट पे, तो मैं थोड़ा सा ही शूट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि मतलब कैसा कुछ है। वैसे मुझे लगेगा तो मैं वीडियो डाल दूँगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊँगी, मन करेगा तो मैं डाल दूँगी। सो अभी यहाँ पे शिवम ने डाल दिया इसको मिट्टी को पानी में, मतलब ये पत्थर में इसको डाल के इन्होंने यहाँ पे, ये देखो मिट्टी बहुत बारीक कर दी है, देख सकते मिट्टी बहुत बारीक कर ली है, इसको उन्होंने डाले इस पत्थर में, गीले पत्थर में, पहले इन्होंने पत्थर को गीला किया फिर इसमें डाल दिया मिट्टी। अब ये यहाँ पे शिवलिंग बनाएंगे, है ना, शिवलिंग है भोलेनाथ की मूर्ति, शिवलिंग बनाएंगे, तो मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी। थोड़ा इन लोगों को कैमरा शाही है, ये लोग तो थोड़ा सी शर्म आ रही है, वैसे तो आजकल कौन रहता है कैमरा शाही, हर कोई तो फोन पे ही लगा रहता है वीडियोज वगैरह बनाने में, हम शिष्ट बालक हैं, बट ये बहुत ज़्यादा समझदार लड़का है, बहुत शर्माता है, इसका फेस नहीं निकालना है, तो ये बना रहा है अभी। हमें कई लड़कियां जानती हैं। मे बी गाइस थोड़ा सा लंबा हो जाए क्या पता ब्लॉग, इस वजह से क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ब्लॉग मुझे नहीं लगा था कि वीडियो लंबी होगी, बट मे बी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। और मामी ने आपको बताई दिया आज ये शिवलिंग बनाएंगे, कल सुबह इन्होंने उठ के शिवलिंग को पानी में विस्थापित करना है, है ना, विस्थापित वही करते हैं ना, विसर्जन हो जाएगा, विसर्जन करना है, तो अभी इसको ये दोनों कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों भोले के बड़े भक्त हैं, हम भी हैं बट हमें इतना ये यहाँ की परंपरा है,
हाँ, वैसे भी ये यहाँ की इनकी यहाँ के रीति रिवाज है, गढ़वाल में होती होगी बट मेरे मायके में तो ऐसे रीति रिवाज है नहीं, हमने देखा नहीं। तो और उधर हमारी वो भी आ गई है, वो हाँ वो हमारी बहन भी आ गई, उसकी छोटी बच्ची भी आ गई है। नहीं तो वो भी बहुत अच्छा बनाती है, पहले वही बनाती थी लेकिन उसने छोड़ दिया, उसने अब छोड़ दिया। वो उत्तराखंड गढ़वाली। एक गुंडा वो है हमारा फौजी भाई, दौड़ गया, दिख रहा है तू कैप्चर हो गया। तो क्या मैं शिवलिंग बना रहे ये शिवम शिवलिंग बना रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं मैं, अरे मैं एडिटिंग कर दूंगा, मैं एडिटिंग करती हूँ, मैं खुद नहीं देखता इतना लंबा वीडियो। एडिटिंग भाई तुम तो बिजी आदमी हो यार। अब इस पे वो हो गया ना, क्या जो और वे भट है, क्या लगेगा जो भट, जो भट आंखें हो के सब इस पे लगेंगे। तो लगेगे तू मैं वो खेला बोल पर ऊपर वो खेज दूं लिहाज होता है, वो ऊपर लगेगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा जो भट लगेगा। ज्यादा बड़ो तो नहीं है, नहीं ठीक है, ठीक है। वो नहीं, तूने क्या बनाया नीचे का, नीचे मोड़ी बड़ा फल है, छोटो नहीं बनी सर, प्लेट बना दी शादी हो गई अब क्या, नहीं रखते प्लेट इसके बना रही हूँ, टूटेगा तो बिना गोले लेना। ये दो क्या बना रहे हैं, बड़ोना ये ते अच्छा अच्छा मोकरन तब एन्नी बड़ोना किसका जाए के, तू तो बना सकता है अगले धर ये रे नो सुरवट के हम बना। So, ये बन चुका है भोलेनाथ जी, और यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं काले भट्ट होता है ना जो सोयाबीन बोलते हैं, तो उससे इनको सजाया जा रहा है, मतलब आंखें हुई, इनकी नोज हुई, लिप हुए, लिपस्टिक भी लगाई जाएगी, ये सारे बनाए जा रहे हैं। मैं भी आप लोगों को देख कैसा लग रहा है। सो गाइज ये है फाइनल भोलेनाथ जी का, जो इन्होंने वो बना रखा है, चित्र बना रखा है, मतलब प्रतिमा बना रखी है शिवलिंग की। तो ये है फाइनल लुक, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा बना रखा है, थोड़ी बहुत मेहनत मैंने भी की इसमें। राजा वृक्ष का फूल लगेगा अभी इस पे, लगेगा बुरांस का फूल जो मैंने आपको अपने पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था ना, तो वो फूल इसमें लगेगा अभी, वो जब लगेगा मैं बता दूंगी फूट हो पाए तो। Bye.
लाइट बंद कर दी। ओम नमः शिवाय। अरे शिव गंगा धरा हरे हरे बोले नमः शिवा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवा हरे हरे बोले नमः शिवा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवा सब एक ही बार डाल सब एक ही बार डालो। लाओ पकड़ो। सब अंदर तो क्या कर सब लोग।